Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रात नू डांस क्यों कर रहे हैं? पागल तो नहीं हो गया युवराज किते? हाँ हाँ सरगुन जी बिल्कुल सही पहचाने हैं तुसी। मैं पागल हो गया। की? पर क्यों? सरगुन जी मैं खुशी नाल पागल हो गया। तुसी देखो ना कल तक मैं अपने पापा नू पापा पापा कहंदा सी पर हुन कोई एहोजा आएगा जेड़ा मैनू पापा कहेगा। सच्ची सरगुन जी मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं कदों इतना वड्डा हो गया। चल जे हुन तैनू ए एहसास हो ही गया कि तू वड्डा हो गया तो फिर तेनू तेरी जिम्मेवारी का एहसास भी होना चाहिए। तेनू ए पता होना चाहिए कि हुन तू कल्ला मेरा हस्बैंड नहीं बल्कि मेरे होन वाले बच्चे का प्यो भी है। इस करके तेनू तेरी सारी जिम्मेवारी का एहसास चंगे तरीके नाल होना चाहिए। की क्या सरगुन जी एक बार फिर बोलो ना। की बोला? वही जो तुसी उन्हें बोले है कि मैं सिर्फ थोड़ा पति नहीं थोड़े होन वाले बच्चे दा प्यो भी हां। हां बिल्कुल युवराज हुन तू सिर्फ मेरा हस्बैंड नहीं बल्कि मेरे होन वाले बच्चे दा प्यो भी है। जी करदा तुसी बार बार यही बोली जाओ ते मैं यही सुनदा रहूं। सरगुन जी मैनू सच्ची बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा मैं बच्चे का प्यो बनने वाला। मैं तो अजे बच्चे का ना भी नहीं सोचा सरगुन जी। वैसे तुसी सोचा? ओ नहीं वैसे सोचा तो नहीं है पर हाँ एक गल जरूर सोची सी कि जे साडे ती होई ता असी उस दा ना देवी मां दे ना तो रखांगे। पर सरगुन जी अगर जे मुंडा होया ना ओदा ना किसे हीरो दे ना ते रखांगे। हीरो दे नां ते? पर हीरो दे नां ते क्यों? एदे पिछे कोई स्पेशल गल है? ले सरगुन जी ए भी कोई पुछने वाली गल है। हीरो दा पुत्तर जे हीरो नहीं बनेगा तां विलन थोड़ी बनेगा। अच्छा हीरो तो याद आया कि हुन असली हीरो बनन दा टाइम आ गया तेरा। ओ मैं तेरा रिज्यूम तैयार करके ना ऑनलाइन अपलोड कर दिता है। हुन तू वेखी जाए तेनू जल्दी ही जॉब से ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। सच्ची सरगुन जी ये तो बड़ी चंगी गल है। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इन्नी राती पार्किंग च कौन घूम रहा है? कोई चोर तो नहीं जिहड़ा घर च वड़न की कोशिश कर रहा है? जाके देखना पड़ेगा। आ गड्डी है वो इत्थे बंब लगाना है आपां। वैसे ये बम्प असली तो है ना? होनी ब्लास्ट करके दिखावा? ओ मैं प्रोफेशनल हां प्रोफेशनल। तेनु की लगदा मैं फिल्मा च कॉमेडी करने वाला बदमाश है? ऑल तू गल्ला ना कर। छेती छेती काम च ध्यान दे। गल्ला कट ते काम ज्यादा। ठीक है हुणे फिक्स करदा बम्प। ए फट। फटाफट कर लगा दे इनू।
फटाफट कर, देख कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कल मैं सरगुंदा गेम ओवर करके रवांगी। बस बस होने वाला ही है, एक तार फिट करता हूँ एंड डन 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 ले भाई, होगी तेरे सरगुन में गड्ढे चाड़न की तैयारी। टाइम मैं फिक्स कर देता 3 मिनट का, ते ए है बम दा डेटोनेटर। जिद्दा ही तू इहदा बटन दबेंगी उसी टाइम टाइमर ने शुरू हो जाना है, ते अगले 3 मिनट बम ने ब्लास्ट हो जाना है। बूम। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कीरत तू मैंने ब्लॉक क्यों किया? यार कीरत बोलेंगी कुछ? कीरत तू हजे भी मेरे नाल गुस्सा है यार? यार उदन मेरी कोई गलती नहीं सी, चल फिर भी मैं तेरे तो सॉरी मांगदा। I'm sorry. बस मैनू तेरी सॉरी दी ना कोई लोड़ नहीं है, तू बस दूर रह मेरे तो। यार क्यों दूर रह यार? जे आपां दूर होए साडी फैमिलीज होर दूर हो जाणगियां। यार मनी अंकल, गुरमन आंटी ते मेरे पापा वो कदी नहीं चाहते कि वो अड्ड होण, फिर तू क्यों उहनां नूं अड्ड करना चाहुंदी है? ये वड्डे वड्डे डायलॉग्स ना अर्शप्रीत दे सामने जाके बोली, ओहदे सामने तां तेरी बोलती बंद हो जांदी है। तू ना अर्शप्रीत दे नाल ही रह, मेड फॉर ईच अदर। सारा दिन इद्दे ही रहना, पेन हो रही है मेरे। हट। आह। सरताज की होया? आ मर गया मेरी फिंगर। पहले दस्ते होया की है? कुछ नहीं यार, बस कलो मैं एप्पल कट रहे थे ना, वो चाकू स्लिप हो गया थे, फिंगर कटी गई सी। हुण ठीक हो गया कि होर करा? नहीं थोड़ी देर होर कर दे। सौन लगे एहो जी मेडिसिन तो मैं सारी जिंदगी नहीं देखी, सारा दर्द छू मंत्र हो गया। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री।
प्रभजोत जी हुण तुसीं अपने हत्थां नाल किरत नूं कैंची दो। पापा मम्मी बाबा जी ये सब थोड़े ही रंग जेड़े प्रोग्राम च सानू वड़न नहीं सी दे रहे हुण प्रोग्राम दा रिबन असी कट रहे हैं ये सब तुसी ही कर सकते हो बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਹ ਸਭ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵਰਗੀ ਬਹਾਦੁਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ दो मैनू इजाजत मैं चलती हाँ सत श्री अकाल बस मैं निकल रही हूँ ठीक है मैम जी थैंक यू सो मच मैम आज तुसी मैनू इन्ना मान सम्मान दिता जे तुहाडे वर्गे लीडर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना तो समाज होर भी वधिया हो सकता है तुहाडे वर्गे ना यंग बुलाडी तो सानू कुछ करन दा हौसला दिंदे ने बल्कि मैं तो यह चाहनी हाँ कि तुहाडे वर्गे लोगों ना पॉलिटिक्स विच आना चाहिए है तो मैं पक्का विश्वास है कि तू जित भी जाएगी क्योंकि तेरे अंदर ना मिनिस्टर बनने की सारी काबिलियत है तो तू बन भी सकती है एक्चुअली मैम मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने विच कोई इंटरस्ट नहीं रखती सब तो पहला मैं अपने मम्मी पापा के सुपने पूरे करने फिर उस तो बाद अपने सुपने पूरे करने वैसे भी मैं बाहर जाके ना होर पढ़ाई करना चाहनी हाँ ताकि मैं नॉलेज यूज करके अपने पापा दे बिजनेस विच यूज कर सका ये तो बहुत बढ़िया गल है कि तू इदा सोच दी है मैम मेरे दोस्त का की हाल है बहुत बढ़िया और तेनू बहुत मिस करता है कीरत मिनिस्टर दी वाइफ नु किवें जानदी है मैडम भी कीरत नु इन्नी रिस्पेक्ट दे रही है Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री बॉबी किसे वेले भी रीत नु इत्थे लेके आ सकदा है किते बॉबी रीत नु सब कुछ सच दस ही ना देवे ਪਰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰੀ ਏ ਇਹ मम्मी जी
ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ? ਨਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਓਹੋ, ਮੰਦਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਤੇ ਹੁੰਨੀ ਹੈ? ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ, ਚਲੋ। ਚਾਹ ਲਓ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਓਹੋ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਚੰਗਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ। ਮੰਮੀ, ਬੌਬੀ, ਰੀਤ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੈਂਸੀ ਭੂਆ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਨੈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੋਨਟ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਰੀਤ, ਜਸਟ ਡੋਨਟ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਆਈ ਨੋ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ? ਬੌਬੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰੀਦ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੌਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੌਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਆਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੌਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਨੈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਨੈ ਦੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਫਰੈਂਡ। ਅੱਜ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਤੇ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਸ੍ਰੀਤ ਇਸਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌੜੇ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਟ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਬੈਡ ਡੇ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੀ, ਵਿਰਾਜ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਵਿਰਾਜ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੈਡ ਡੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਨੀਲਮ, ਕਿਵੇਂ ਨੀਲਮ, ਤੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ?
सहदेव जी खरे पुलिस आई थी सहदेव जी नैन दीदी अरेस्ट करके ले गई। ये सब कदों होया ते किस जुर्म च नैन पापी नूं अरेस्ट किया गया? मैनू भी हमने किट्टी दीदी ने दस्या नैन दीदी ते इल्जाम है ख्याल नाल जीवन नूं मारन लई किसे नूं पैसे दित्ते सी इसलिए उन्होंने अरेस्ट किया। तो शमशेर जी का भी यही कहना है कि जीवन की मौत की जिम्मेवार नैन दीदी ने। जीवन मर गया नैन पापी अरेस्ट हो गए ये सब हो की रहे दिवान शवीर जी कितने ने? ओ गए ने नैन दीदी की मदद लई। तुहानू पता नैन दीदी ना मेरी हर एक मुसीबत से मेरा साथ देंदे ने और इस दुनिया की सबसे चंगी भैन है। मैं उन्हें तो लेके कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नीलम तू फिक्र ना कर आपा नैन पापी दी बेल करवा के लियावांगे। साडा ये बच्चा जेड़े चमत्कार नाल होया है ओ पवित्र पत्थर सिर्फ नैन दीदी करके मिलिया सी उन्हें दा एहसान मैं कदे नहीं भुल सकती। थानू पता है बचपन तो ही ना मेरे दिल से नैन दीदी दे लई बहुत कड़त्तर सी मैनू वो बिल्कुल नहीं सी पसंद मैं कदे उन्हें दा मुल समझ ही नहीं सकी। आज मैनू उन्हें दा मुल समझ आया है ते आज जे मैनू अपनी भैन नू बचाने वास्ते इस इल्जाम नू अपने सर ते भी लेना पएगा ना सदे जी मैं हो भी करन लई तैयार हाँ। नीलम दे अंदर सच्ची बदलाव आ गया। कोई आज नीलम नू देखेगा तो भरोसा नहीं कर पाएगा कि कुछ ही दिन पहला तक नीलम नैन पापी तो सड़ती सी उन तो नफरत करती सी किसी लिए कोई कुर्बानी देना तो दूर वो लालच विच इन्नी डुबी हुई सी कि जो कुछ भी किसी होर कोल है ओनू भी खो लेना चाहती सी। नीलम च बदलाव भी नैन पापी दे कारण ही आया। सहदेव जी प्लीज तुसी एक बारी मैनू नैन दीदी नाल मिलवा दो प्लीज। नीलम तू बिल्कुल भी फिक्र ना कर मैं कुछ भी करके तेनू नैन पापी दे नाल जरूर मिलवावांगा। गुरु जी जिस गल का डर सी होया भविखबाणी के मुताबिक जीवन की मौत करके नैन अरेस्ट कर लिया गया। जीवन ने अपने अखीरले टाइम च नैन दृष्टि का सच दस दिता सी। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा मैं पंचांग भी देख हो सकता कि आने वाले समय च नैन होर भी मुसीबत का सामना करना पवे। गुरु जी की कर सकते हैं नैन मुश्किलों से जान बचाइए इसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तू सब तो पहला नैन की बेल कराने की कोशिश कर दृष्टि का ध्यान भी रख मैं तेन करी फिर याद दवा देना इस वे जीवन वालों लिखी हुई चिट्ठी इसे गल चल 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 इसलिए तेन दृष्टि का खास ख्याल रखना पेगा ये दृष्टि के नाल अपना ध्यान भी रखे। गुरु जी सच्ची वो चिट्ठी किसी गलत हत्थां चली गई है? मैं पक्का तो नहीं कह सकता पर नैन होर भी मुसीबतों का सामना करना पै सकता है हो सकता है नैन के नाल इन्हें भी सब सहना पड़ेगा इसलिए तेन मैं हाय सदाई देना कि तू हर कदम से चुकना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी मैं थोड़ी कई हर गल का ध्यान रखा। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तेरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई कोर्ट ने तेनू बेल देने तो मना कर दिता। क्यों और किन्नी देर इतने रहना पड़ेगा? नैन नैन मेरी गल सुन देख तू हिम्मत ना हार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तेरी बेल रिजेक्ट की है ना मैं हाई कोर्ट से तेरी बेल की अर्जी पावांगा। हिम्मत कितना ना हारा देवांश जी
इन्हें महीने बाद आज समा आया सी। शायद मैंने मेरी धी का पता लग गया जेड़े खुशी के पल मैं अपनी धी ना गुजारने चाहिए सी वो पल मैं जेल च कट रही हूं पखा भर के उन्हें वेख भी नहीं पाई सीने नाल नहीं ला पाई क्यों जी किस्मत है मेरी शायद मेरे कोल सी सच मैनु नहीं पता सी शादो दा सच मैनु पता है तो ओ मेरे तो इतनी दूर सब ठीक हो जाएगा मां नैना देवी ते भरोसा रख महामाई ते ता भरोसा है ना पर ओ भरोसा हुन छुटदा जा रहा की करे भरोसा मेरी परिस्थितियां वेखो मेरे हालात वेखो देवांश जी जिरा हालात तो मैं गुजर रही हाँ ना भरोसा चूरो चूर हुंदा जा रहा है हुण पता मैनू की लग रहा है कि शायद मेरी किस्मत विच ही ना मेरी धी दे नाल समा बताना नहीं लिखिया नैन प्लीज प्लीज तू इना नैगेटिव ना सोच पहला तो है थॉट्स अपने माइंड तो बाहर कर अपने दिमाग में पॉजिटिव रखने हैं पॉजिटिव रह रहे तो देवांश जी आज तक जिंदियां भी मुसीबत ही ने तब तक के टाल बन के खड़ी रही हैं पर आज देर हो गई है सब मुसीबत के बर्दाश्त दिख सीमा होंगी है देवांश जी सीमा पार हो चुकी है नया मैं समझ सकता नया पर प्लीज तू इस वेले मेरी गल मन ते शांत रह Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री दीदी जी और शगुन ते किट्टी ना दोनों किचन च काम कर रही ने तुसी हुणे जाके ना दृष्टि नू हाथ ला के पता कर सकते जे कि दृष्टि ममता दा पुनर्जन्म है या नहीं शाबाश पोंपी मैनू तेरे तो यही उम्मीद सी चल पोंपी चल अनिका और दृष्टि दोनों ही चूल्हे च है नहीं मैनू लगता है वो किट्टी ने ना दोवां नू शिवराज नाल स्वाता होना हाँ ये हो सकता है चल चलिए आजा चलो मैनू तो कुछ समझ नहीं आ रहा इदा किदा हो सकता है कल तक तो सारे बच्चे घर में ही नाले दीदी जी इतने छोटे बच्चे आप चल के कितने जा सकते हैं अरे मेरा सोना बेबी बच्चे दी रोंदी बस हाँ चल चल के देखते हैं चलो माइला कर दो माइला कर दो ये सब मैं की देख रही हूँ चमत्कार किवें हो गया अनु नहीं पता नीलम हुन बिल्कुल बदल गई है अनु पता है वो अपनी भैन नयन दे नक्शे कदम से चल रही है नहीं नहीं पापी ये बड़ी चालू कुड़ी है मैं उन्हें चंगी तरह जानती हूँ ये समझ गई है
कि अगर सब के सामने अपना आप नूं माड़ा विखाएगी ना तो सारे इहदे खिलाफ हो जाएंगे। इस करके चंगी बनन दा नाटक कर ली ताकि जदों कदे वी इहदे ते मुसीबत पए तो सारे इहदे नाल खड़न। दीदी जी हुण असीं की करांगे? ਨੈਨ ਪਾਪੇ ਨੇ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਦੇਖ ਵਿਸ਼ਵਿਕਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਗੱਲ ਮੰਨ ਤੇ ਡਮਰੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ। एक बारी अपना व्याह हो लैन दे। फिर तो आप सत जन्माली कट्ठे रहांगे। फिर मैं तेनू किते नहीं जान देंगा। छत मिलती दा हाथ तेरे नाल तां व्याह कदी नहीं करांगी। होते किरपाल जी ने साडी मजबूरी का फायदा चुक के शिवका दे पापा कोलो व्याह करन लई हां करवा ली। तुहाडा मकसद जानन तो बाद ये व्याह कदी नहीं होएगा। मर जावांगी मैं पर ये व्याह कदी नहीं होण देंगी। सरपंच साहब, ये डॉक्टर ते शिविका अपना नजायज प्यार लुकाउण वास्ते झूठियां कहानियां बना रहे ने ते भाभी हुणी भी इन्हां दा साथ दे रहे ने। ओए तुसीं भुल्लो ना मैं पिंड वास्ते की कुछ कीता है। ये 4 दिन दा डॉक्टर मेरे तो वड्डा हो गया। भाभी जी ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਡਮਰੂ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। नफरत किदा कर सकते हो? अपनी औलाद नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कित्थे लेके जा रहे हो कृपाल जी मेरी शिविका नू? सरपंच जी रोको इन्हां नू। कृपाल, ये गल्ला आराम नाल भी हो सकदी हैं। कहण कहण दा समा गया सरपंच साहब, इन्हां ने जुबान दित्ती है, कुड़ी तां इन्हां नू तोरनी पैगी। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਤੂੰ ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ। ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹਟ ਸ਼ਰਦਾ ਟੀ।
चल छा चल जे किसी ने भी शिविका नू हाथ लाने की कोशिश की मैं उसका हाथ शरीर तो वक्ख कर दांगा महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव ते मां पार्वती दे मिलन दियां जिन्नियां गल्लां कीतियां जान उन्नियां घट ने और अज इस पवित्र दिन ते जे उन्हां दे प्रेम और विआह दी कहानी ना सुनाई जाए तां पूजा दा आनंद नहीं आंदा। वैसे तां हर साल महाशिवरात्रि ते भक्तां दा बहुत ज्यादा इकट्ठ हुंदा है पर इस साल ईशान दे रिश्ते दी गल होण करके मैं बहुता भक्तां दा इकट्ठ नहीं सी चाहुंदी। इस करके पूजा च सिर्फ परिवार नूं ही शामिल किया गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि भगवान शिव ते मां पार्वती जब तक इकट्ठे नहीं सन होए उदो तक उनारी जिंदगी च बहुत दुख सी। ताड़कासुर नाम का एक राक्षस सी जिहड़ा दुनिया का नाश करना चाहता सी पर उसका नाश शिव ते शक्ति दा मिलन ही कर सकता सी। ओ बिना सोचे समझे पाप करदा गया बिना अंजाम दी परवाह करदे हुए पर जिस दिन शिव ते शक्ति दा मिलन होया उसका विनाश हो गया। देख लो किन्ना बेशर्म है इन्ना कुछ होने दे बावजूद भी कुड़ी दा हाथ नहीं छड़ रहा ना इन्नू कोई पुछण वाला होवे तू शिविका दा लगदा की है आशिक है जां घर वाला है। दस की लगती है तेरी जदों कोई मुंडा किसी कुड़ी नाल इदां खड़ा हुंदा है उस संबंध नजायज संबंध हुंदा है जेड़ा सिर्फ मौज मस्ती लिए हुंदा है। जय श्री राम। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।